गाइज, वेलकम टू माई चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइज, दोबारा से मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ एक होम रेमेडी आपके बालों के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैस्टर ऑयल जो है वो हमारी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, बहुत सारे हेयर मास्क में यूज़ होता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, साइड बाय साइड आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्किन के बहुत सारे फेस मास्क ऐसे होते हैं जिनमें कैस्टर ऑयल यूज़ होता है, और बालों के लिए तो ये रामबाण है ही। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप किस तरीके से कैस्टर ऑयल अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। साथ ही आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बालों में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बालों को फ्रिज फ्री करने के लिए, जिनके बाल बहुत रूखे सूखे बेजान और उड़े उड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जब आप हेयर वॉश करते हो, हेड वॉश करते हो, तो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद आपके बाल जो है वो काफ़ी उड़े उड़े हो जाते हैं। जो बेबी हेयर्स होते हैं, जो स्प्लिट एंड्स जिन बालों में होते हैं, वो बाल आपके काफ़ी उड़े उड़े होते हैं। वो या तो फिर सीरम लगाने से बाल ठीक होते हैं, अदरवाइज या फिर कंडीशनर लगाने से। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप इस ट्रीटमेंट से अपने बाल कैसे ठीक कर सकते हैं, आपके बालों में जो फ्रिजीनेस है, जो रूखापन है, जो बाल आपके बेजान है, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। गाइज, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी आप लोगों को, जितने भी लोग जानते हैं कि आजकल मार्केट में कैराटिन ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में है। कैराटिन में क्या होता है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया जाता है आपके बालों के लिए, जिससे आपके बाल सॉफ्ट होते हैं और आपके बालों की फ्रिजीनेस खत्म होती है। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप मिल्क से, ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ग्लास में मिल्क, और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है कैस्टर ऑयल, आप अपनी चॉइस का कोई भी कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप मिल्क से और कैस्टर ऑयल से अपने बालों की फ्रिजीनेस कैसे खत्म कर सकते हैं। गाइज, सबसे पहले एक चीज बता दूं कि कैराटिन में प्रोटीन दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो बालों के लिए मिल्क से अच्छा प्रोटीन और कोई भी नहीं है। कैराटिन में बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ एक होममेड चीज जिससे कि आप घर पर खुद ही अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट बालों को दे सकते हैं। तो मिल्क से अच्छा कोई और प्रोटीन है ही नहीं। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। गाइस, करना ये है कि अपने बालों की क्वांटिटी और लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पर ग्लास में जो है कच्चा दूध ले लेंगे। तो मैंने ग्लास में थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, ऑलमोस्ट आधा ग्लास लिया है मैंने यहाँ पर, और साथ ही मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि दूध को आप हल्का सा गर्म करेंगे, गुनगुना करेंगे, ल्यूक वार्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल ल्यूक वार्म हल्का सा गुनगुना करना है। अब गाइज, इस दूध में हमें अंदाजे से 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है। तो मैं यहाँ पर अंदाज से डाल रही हूँ, ये देखिए, ये जो है इनफ है। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। अब मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को जो हमने ये सीरम बनाया है इसको हम किसी स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे। तो पहले मैं इसे स्प्रे बॉटल में डाल लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ। और ऑयल को और दूध को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरीके की स्प्रे बॉटल में दूध और कैस्टर ऑयल को अच्छे से मिक्स करके डाल लिया है। एक बार आप इसको शेक कर लीजिएगा लगाने से पहले। अब गाइज, करना ये है, ये जो हमने दूध और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर बनाया है, स्प्रे बॉटल से आप क्या करेंगे, अपने बालों की जो आपकी बालों का जो स्कैल्प है, आप स्कैल्प पे क्या करेंगे, इसको स्प्रे कर करके पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेंगे। बिल्कुल जड़ों में लगाना है आपको इसको, और बच जाए जो आप तो आप इसको लेंथ पे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको इसे अपनी बालों की जड़ों में लगाना है। इससे आपके बालों की जो फ्रिजीनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बालों में लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने बालों में अच्छे से सारा ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था, मैंने अपने बालों में बहुत अच्छे से लगा लिया है। और आपको ध्यान रखना है कि स्प्रे बॉटल से ही इसे लगाना है, क्योंकि आपकी जड़ों में ही तभी अच्छे से लग पाएगा। और गाइज, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इसको अपनी लेंथ पे ना लगाते हो, आपको इसको अपनी जड़ों पे लगाना है, बिल्कुल स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प पे ही ये काम करेगा। और मिल्क में बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है, तो इससे आपके बालों को प्रोटीन कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आपके हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, बाल टूटने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और मिल्क की वजह से, प्रोटीन की वजह से आपके बाल जो है वो शाइनी होंगे, और जितनी भी फ्रिजीनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और कैस्टर ऑयल तो बालों के लिए अच्छा होता ही है, मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और गाइज, इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार अप्लाई करें। अभी सर्दियां हैं, अगर आप 3 बार भी अप्लाई नहीं कर सकते तो मिनिमम ट्वाइस इन अ वीक तो आप इसको जरूर ट्राई करें, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और जिन लोगों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको जरूर ट्राई करें थ्राइस इन अ वीक। और इसको करने के बाद 1-1.5 घंटा आप इसको अपने सर पे रखें,
उसके बाद आप नॉर्मल जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उससे आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे और आप देखेंगे आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने शाइनी, इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको किसी भी सीरम या फिर किसी भी कंडीशनर को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर फ्रिजी बाल हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, बाल बिल्कुल बेजान हो गए हैं, रूखे हो रहे हैं, तो आप इस मेथड को जरूर ट्राई करें, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रिप्लाई। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय गाइज। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।